ओके, देखिए इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट में हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं और ये हम लोग तीसरा पार्ट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है सेकंड पार्ट में, राजा राव को पढ़ लिया है। और राजा राव का कंतापुरा, जो कि हमने बताया कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से, ठीक है, तो कंतापुरा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंतापुरा का क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हरिकथा इज स्ट्रेटेजिकली यूज्ड एज मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि पहली चीज तो ये क्या है, अस्थल पुराण है। क्या है? अस्थल पुराण, अस्थल पुराण। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अस्थल पुराण। ठीक, इसके फॉर्म में लिखा गया है। दूसरा, यहां पर हरि कथा, हरि कथा का यूज किया गया है। स्पेशली जब हमने आपको स्टोरी लाइन बताई थी, वहां पर हमने बताया था कि वहां एक जो है टेम्पल बिल्ट होता है। ठीक है, टेम्पल जो कि क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एक्टिविटीज ऑफ द विलेज, विलेज कांतापुरा। ठीक है, तो कांतापुरा विलेज का जो सेंटर पॉइंट है सारी एक्टिविटीज का क्या बन जाता है, वो एक शिव जी का टेम्पल है। ठीक है, वो बन जाता है सेंटर पॉइंट। और फिर लोगों ने, गांव के लोगों ने क्या किया कि एक आयोजन करते हैं, किसका, हरि कथा का। ठीक है, हरि कथा का आयोजन करते हैं और उसका जो एम होता है कि लोग यहाँ हरि कथा में आएंगे और उसके कथा के थ्रू जो है लोगों में एक अवेयरनेस रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट और रिगार्डिंग गांधी जी, वो जो है एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियस रेजिंग की जाएगी। तो आंसर आपका जो है कांतापुरा। बेंड इन द गैंगेज, सर्पेंट एंड रोप, वेटिंग फॉर महात्मा, ये सारे वर्क्स अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो उनकी चर्चा हम तब करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, द नैरेटिव ऑफ राजा राव कांतापुरा इज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन पुराणास। ठीक है, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, पुराण के फॉर्म में है, दैट इज नोन एज अस्थल पुराण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट वन हैज टू कन्वे, वन हैज टू कन्वे इन अ लैंग्वेज दैट इज नॉट वंस ओन, द स्पिरिट दैट इज वंस ओन अपीयर्स इन कांतापुरा। और इसीलिए जो है ये कहा जाता है कि राजा राव वॉज द सपोर्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम। ठीक है, एज अ लैंग्वेज ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, तो जो राजा राव है वो इंग्लिश लैंग्वेज के समर्थक थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़िएगा, नया राइटर यहाँ से हम लोग बिगिन करेंगे, आर के नारायणन। ठीक है, तो आर के नारायणन का सबसे पहला क्या है, इनकी बर्थ है 1906। ठीक है, और इनकी जो डेथ होती है 2001 में होती है। दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। और इनके नाम में जो आर है, ये इनके विलेज का नाम है राशिपुरम, तो पूरा नाम इनका हम लोग लिखते हैं राशिपुरम। राशिपुरम कृष्ण स्वामी, अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। लेकिन क्या है, उसमें जब देखिएगा तो राशिपुरम जो है ये इनके विलेज का नाम है, कृष्ण स्वामी जो है ये इनके फादर का नाम है कृष्ण स्वामी अय्यर, और नारायण स्वामी इनका अपना नाम है। तो नारायण इनके नाम का
और कृष्ण स्वामी, इनके फादर का नाम और विलेज का नाम, ये तीन मिलाकर के बनता है आरके नारायण, राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण अय्यर, और जो है स्वामी अगेन जो है छोड़ दिया गया है जब इनका जो पॉपुलर नेम आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें लिखते हैं। पहली बात देखिएगा, ये एक रीजनल नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रीजनल, रीजनल नॉवेलिस्ट। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, ठीक है। तो मालगुडी डेज आपने सुना होगा, तो इन्हीं का काम है। एंड ही इज वन ऑफ द ट्रियो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो आप लिख लें। ठीक है, तो लिखना चाहे तो आप लिख लें, ही इज वन ऑफ द ट्रियो, ही इज वन ऑफ द ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है। एंड इनके एक परम मित्र और मेंटर थे, कौन? ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन, ठीक है। ग्राहम ग्रीन को पहले पढ़ चुके हम लोग, वाज हिज फ्रेंड एंड मेंटर who helped him to get his works published, ठीक है। जैसे मुल्कराज आनंद के साथ कौन थे, जो है आपने देखा कि ब्लूमसबरी ग्रुप के लोगों से उनकी अच्छी दोस्ती थी, और ब्लूमसबरी ग्रुप में भी जो ईएम फॉस्टर थे उनसे बेटर दोस्ती थी। उन्होंने उनके अनटचेबल का इंट्रोडक्शन भी लिखा था और उसको पब्लिश होने में इन्होंने हेल्प भी की थी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो है ग्राहम ग्रीन आर के नारायणन के लिए थे। बर्थ देखिएगा इनका, ही वॉज बॉर्न इन मद्रास, ठीक है। मद्रास में जो है इनका बर्थ हुआ था, जो कि अब चेन्नई है, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में है अब, उस समय ये मद्रास स्टेट हुआ करता था, ठीक है। मद्रास में इनका बर्थ हुआ था। आगे देखते हैं, इनको कुछ अवार्ड्स जो मिले थे, उन अवार्ड्स में देखिएगा, ही वॉज अवार्डेड चार अवार्ड हम लोग लिखेंगे। नंबर वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड
इनको 1958 में, 1958 में दूसरा देखिएगा पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था ठीक है 1964 में, पद्म विभूषण भी मिला था ये इनको मिला 2001 ठीक है। साथ ही साथ इनको एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है, फिल्म फेयर अवार्ड ठीक है, इसका ईयर तो नहीं याद है लेकिन बेस्ट स्टोरी का मिला था ठीक है, और बेस्ट स्टोरी ठीक ना, तो बेस्ट स्टोरी का जो अवार्ड इनको है इनके वर्क्स को जब फिल्म में एडॉप्ट किया गया था उसके लिए इनको जो है बेस्ट स्टोरी का गाइड के लिए मिला था, गाइड जो इनकी नावल है उसको एज मूवी एडॉप्ट किया गया, और उसकी बेस्ट स्टोरी का जो अवार्ड है फिल्म फेयर वो किसे मिला, आर के नारायणन को ठीक है। कुछ वर्क्स जरा देख लेते हैं इनके, जो लिस्ट है एक पूरी ठीक है, देखिएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और वेटिंग फॉर महात्मा। यहां भी देखिएगा तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस जो है खूब अच्छे से दिखाई पड़ेगा, और यहाँ जो इनका जो नावल है वेटिंग फॉर महात्मा, इसमें जो महात्मा है वो बापू को कहा गया है ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से गांधियन फिलॉसफी और गांधियन थॉट्स का जो एक इन्फ्लुएंस है वो आर के नारायणन पर और उनके नॉवेल्स पर भी दिखाई देता। अच्छा यहाँ पर एक देखिएगा ध्यान से, पहले दो वर्क्स स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, और साथ में एक तीसरा वर्क है कौन सा, द इंग्लिश टीचर, ये तीनों मिला करके एक ट्रिलॉजी बनाते हैं ठीक है, ये एक ट्रिलॉजी है क्लियर। साथ में अब आइएगा अगला देखिएगा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स है, बैचलर ऑफ आर्ट, इंग्लिश टीचर ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट का भी टॉपिक टाइटल पूछा जाता है, द गाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ठीक है, और इस तरह से जो वर्क्स है बाकी लिस्ट आपको पूरी पढ़नी है। आगे देखिएगा नॉन फिक्शन वर्क्स की भी हमने यहाँ लिस्ट एक पूरी दे रखी है ठीक है, तो नॉन फिक्शन वर्क्स भी कभी शायद टाइटल पूछा जा सकता है, वो डिटेल में तो नहीं पूछेगा ठीक। और मिथोलॉजी में आप ध्यान रखिएगा दो ऐसे वर्क हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण एंड महाभारत ठीक है, बोथ आर द ट्रांसलेशंस, ठीक है ये ट्रांसलेशन है, और उसमें जो रामायण है, रामायण को इन्होंने अपने अंकल से वादा किया था दैट ही विल ट्रांसलेट रामायण ठीक है इनटू इंग्लिश, ये तमिल रामायण, रामायण का एक वर्जन है तमिल में, तो तमिल रामायण के वर्जन को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी इनके बहुत फेमस हुए थे, इसमें मालगुड़ी डेज सबसे फेमस है ठीक है, बाकी जितने हैं उनको जो जस्ट टाइटल आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्क पर आते हैं, जो पहला वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी 1961। पहला क्या डिस्कस है, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी ठीक है, तो दिस वर्क uses the historical references of the historical and mythical and mythical references
आप भस्मा सुरमित। भस्मासुर मिथ, ठीक है। तो भस्मासुर मिथ का जो है इसमें यूज किया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। एक दूसरा देखिएगा, द स्टोरी मूव्स अराउंड द लाइफ ऑफ, द स्टोरी मूव्स अराउंड द लाइफ ऑफ एन इंडियन पेंटर नेम्ड नटराज। ठीक है, तो नटराज का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नटराज का जो है एक फ्रेंड था, ठीक है, फ्रेंड जिसका नाम था सेन, ठीक है। ये जो है एक जर्नलिस्ट था, क्या था, जर्नलिस्ट, ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट था। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, शास्त्री, ठीक है। शास्त्री जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक और जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वासु, ठीक है। वासु, वासु डायरेक्ट पूछा गया है कि वासु किस नावल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टर, बाकी और कैरेक्टर्स हमने यहाँ एक पूरी लिस्ट दे दी है, ठीक है। नटराज जो है एक पेंटर है, पोएट उसका नटराज का फ्रेंड है, नाम ही उसका पोएट है। सेन है, ये भी नटराज का फ्रेंड है, एक जर्नलिस्ट है ये, ठीक है। शास्त्री जो है एक इम्प्लाई एंड फ्रेंड ऑफ नटराज है, नटराज का इम्प्लाई भी है और फ्रेंड भी है। वासु है, ठीक है, वो टैक्सीडर्मिस्ट है, द एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द एंटागनिस्ट ऑफ द नॉवल, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वासु है या फिर वासु का कैरेक्टर किसमें है, ये जो है आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। नेक्स्ट, और कैरेक्टर्स में कुमार है, रागिनी है, ठीक है। रागिनी जो है एक टेम्पल डांसर है और प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। इसका भी कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जोशी है, ठीक। और ये जो है कुमार का ट्रीटमेंट करते हैं। कुमार क्या है, एलिफेंट है, ठीक है। ये जो ऊपर ये दिया हुआ है, कुमार जो है क्या, एन एलिफेंट विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम मेपी, मेपी हिल्स बाय नटराज एंड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको जो है नटराज लेकर के आया था, और डॉक्टर जोशी जो है इस एलिफेंट का इलाज करते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, कहानी पढ़े बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपकी एग्जामिनेशन पर्पज से इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर हम लोगों ने छोड़ दिया, तो आप इसको यही मेंशन कर सकते हैं वासु के कैरेक्टर में, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, वासु इज कंपेयर्ड कंपेयर्ड टू राक्षस, टू राक्षस। ठीक है, KSHAS, ठीक है। राक्षस जो है दैट इज अ डेमन, किसके द्वारा, बाय नटराज, एंड शास्त्री, एंड शास्त्री, ठीक है। तो नटराज और शास्त्री जो है वासु को डेमन से कंपेयर करते हैं यहां पर। आगे देखें, नेक्स्ट वर्क हम लोग बात करें तो गाइड, कौन सा वर्क, गाइड, ठीक है।
गाइड का पब्लिकेशन कब हुआ था? 1958, 1958, द नॉवेल डिस्क्राइब्स द नॉवेल डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट कौन है? राजू. द प्रोटैगनिस्ट राजू फ्रॉम अ टूर गाइड फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल गाइड गाइड ठीक है टू अ स्पिरिचुअल गाइड एंड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया ऑफ द ग्रेटेस्ट होली मैन होली मैन ऑफ इंडिया ठीक है. तो एक्चुअली यहां देखेंगे तो राजू और रोजी इन दो कैरेक्टर्स की स्पेशल कहानी है. एक्चुअली में राजू क्या है? टूर गाइड है ठीक है, जो कि बाद में रोजी से मिलता है, फिर रोजी से मैरिज कर लेता है. रोजी इज अ डांसर. और जो राजू द गाइड है वो राजू द डांस मैनेजर बन जाता है. देयर आफ्टर वो जो है सेंट तक पहुंचता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है. तो ये पूरी कहानी है. आई होप कि आप में से ज्यादातर ने गाइड की कहानी पढ़ी होगी. तो इसको साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी. अवार्ड ये गड़बड़ हो गया भाई. ठीक है, तो 1960 में इसके लिए जो है नोबल सॉरी साहित्य एकेडमी दिया गया था. और यहाँ पर एक जो विशेष कैरेक्टर की बात की हम लोगों ने, वो कौन है? रोजी है ठीक है. तो रोजी क्या है? डांसर ठीक ना, क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं वेटिंग फॉर द महात्मा. वेटिंग फॉर द महात्मा ठीक है. वेटिंग फॉर द महात्मा के लिए बहुत कुछ खास नहीं लिखना है यहाँ पर. दो कैरेक्टर्स जो हैं उन्हीं का नाम लिख लेना है. 1955 का पब्लिकेशन है. दो कैरेक्टर्स लिखिए और सिंपली एक लाइन लिख लीजिए. इट इज द स्टोरी ऑफ इट इज द स्टोरी ऑफ श्री राम एंड भारती. श्री राम एंड भारती ठीक है. तो श्री राम और भारती जो दो मेन कैरेक्टर हैं उन्हीं की कहानी है इसमें ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्क को यहीं डिस्कस करते हैं. अ हाउस सॉरी अ हॉर्स एंड टू गोट्स. अ हॉर्स एंड टू गोट्स ठीक है, एक घोड़ा और दो बकरियां.
इसका जो पब्लिकेशन है वो जो है 1970 का वर्क है, 1970 का वर्क है। पब्लिश किसमें हुआ था? अ हॉर्स एंड टू गोट्स, एंड अदर स्टोरीज, एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट स्टोरी है, किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? हॉर्स एंड टू गोट्स एंड अदर स्टोरीज में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो वेटिंग फॉर महात्मा है, यहाँ पर ये बात नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, महात्मा जो है गांधी जी हैं। ठीक है, गांधी जी, तो ये जो महात्मा है ये गांधी जी। ठीक, ये जो है कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, तो यहीं पर सिंपली लिखिएगा अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ फाइव स्टोरीज। ठीक है, तो पांच स्टोरीज का जो है ये एक कलेक्शन है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था कि इनके छोटे भाई आरके लक्ष्मण ग्रेट कार्टूनिस्ट थे, तो इन्होंने इनके कई सारे वर्क्स को इलस्ट्रेट भी किया है, तो उन इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेटेड वर्क्स में से ये एक है, तो लिखिएगा इट इज इलस्ट्रेटेड, इट इज इलस्ट्रेटेड बाय हिज ब्रदर आर के लक्ष्मण। ठीक है, आर के लक्ष्मण, ठीक है, इनके छोटे भाई आर के लक्ष्मण जो ग्रेट कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने इस वर्क को इलस्ट्रेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द टाइटल स्टोरी The title story is a sly narrative of a business business transaction business transaction between an American tourist American tourist and the Indian goat herder, Indian goat herder as yeah, known as मुनि। ठीक है, तो इसको मुनि के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसके बीच में और एक जो अमेरिकन है टूरिस्ट है, उसके बीच में जो डीलिंग्स होती है, बिजनेस डील होती है, उसी का जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कहा आता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट नॉवल। देखिए नेक्स्ट नॉवल जो आपको पढ़ना है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका जो पब्लिकेशन है वो 1935 है
और ये है नारायण का फर्स्ट नॉवल, ठीक है, और पार्ट ऑफ इनकी जो ट्रिलॉजी है उस ट्रिलॉजी का पार्ट है। तो लिखिएगा, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहीं पर लिखिएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज ट्रिलॉजी। एज वेल एज फर्स्ट नॉवेल बाय द राइटर, ठीक है, राइटर का भी फर्स्ट नॉवेल है और इनकी ट्रिलॉजी का भी फर्स्ट नॉवेल है। दूसरी बात लिख लीजिए इसकी सेटिंग, इट इज सेट सेट इन मालगुड़ी, तो इसकी जो सेटिंग है वो मालगुड़ी में, ठीक है। मालगुड़ी क्या है, एक फिक्शनल सिटी है, अ फिक्शनल टाउन, ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो देखिए जो मालगुड़ी प्लेस है इसके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन हम उसी क्वेश्चन को करते समय इसका डिस्क्रिप्शन मालगुड़ी का देख लेंगे, और इसको जो है इनका एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल कंसीडर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इट इज कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल, ठीक है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल के विषय में के रूप में इसको देखा जाता है। लगभग इतनी जो जानकारी है आपके लिए एनफ होगी, ठीक है। इसके बाद समय बचता है तो ये नॉवेल्स को आप और डिटेल करिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है आर के नारायण से वो ये है कि एवरी डेमन कैरीज विद इन हिम अननोन टू हिमसेल्फ अ टिनी सीड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड गोज अप इन थिन एयर एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट टू विच ऑफ आर के नारायण कैरेक्टर द अबव स्टेटमेंट अप्लाइज। तो अभी हमने आपको एक चीज बताया था कि जो मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी में वासु है उसको जो नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है नागराज, वो और उसका फ्रेंड जो है फ्रेंड जो है शास्त्री, दोनों जो है क्या कहते हैं दैट ही इज अ डेमन। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इन्हीं दोनों का कहा हुआ है, इसके लिए वासु के लिए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी का वासु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द भस्मासुर मिथ इज यूज्ड इन आर के नारायण द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। इसी में जो भस्मासुर मिथ है, ठीक है, किसके लिए, वासु के लिए, वासु के संबंध में भस्मासुर मिथ का यूज किया गया है, ठीक। आगे देखिएगा, आर के नारायण अ हाउस सॉरी आर के नारायण अ हॉर्स एंड टू गोट्स इज सेट इन अ टीनी विलेज कॉल्ड किरथम, ठीक है। तो इन एक छोटा सा विलेज है वही किरथम, जहां पर ये शॉर्ट स्टोरी है A house and the two goats, ये सेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, who among the following Indian writers in English has created an identifiable imagined locale, ठीक
ठीक है, किसने किया? आर के नारायण ने किया, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज रीजनल नॉवलिस्ट, और वो प्लेस जो है क्या है, मालगुड़ी। ठीक है, मालगुड़ी, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इन आर के नारायण्स स्वामी एंड फ्रेंड्स विच गेम ऑफर स्वामी द बेस्ट काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज फ्रॉम the strains and pressures of disagreeable circumstances. तो स्वामी एंड फ्रेंड्स में जो गेम स्वामी सुझाता है उसको, वो है क्रिकेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस नावेल में क्रिकेट का जिक्र है, अन्य ये तीन जो है इनका कोई जिक्र है नहीं स्वामी एंड फ्रेंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट राइटर देखिए शशि देश पांडे हैं, और शशि देश पांडे के बाद कुछ और छोटे छोटे राइटर्स बचे हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग शशि देश पांडे और